हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम 24। आज हम देखेंगे कंप्यूटर सीरीज क्वेश्चन सेट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 7 एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग IBPS, RRB, रेलवे, SSC एंड स्पेशली फॉर SBI क्लर्क एग्जाम्स। ओके, और आज हम 46 से लेके 60 क्वेश्चंस देखेंगे और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जहां हम देखेंगे फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो 46 वाला क्वेश्चन जो है, द टू वेज टू अरेंज मल्टीपल विंडोज ऑन डेस्कटॉप आर। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है कास्केड एंड टाइल, ड्रैग्स एंड ड्रॉप, पॉइंट एंड क्लिक, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, कॉपी एंड पेस्ट। सो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अगर आपको राइट आंसर पता होता तो आप क्या टिक करेंगे, वो आप पहले ही सोच लीजिए। ओके, सो लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कास्केड एंड टाइल, ये जो टू वेज होते हैं अरेंज करने के लिए मल्टीपल विंडोज़ को डेस्कटॉप में। ओके, सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कास्केड एंड चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कमांड इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन अंटिल सर्टेन अदर कंडीशंस आर मेट, इट इज कॉल्ड अ डायमंड कमांड, अनअवेलेबल कमांड, डायलॉग बॉक्स, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज डायमंड कमांड। ओके, बिकॉज डायमंड कमांड इज अ कमांड इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन अंटिल सर्टन ऑर्डर कंडीशंस आर मेट, सो द राइट आंसर विल बी डायमंड कमांड, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन व्हेन शटिंग डाउन योर कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा, स्टार्ट के नीचे हम जब विंडोज में जाते हैं सो तब स्टार्ट बटन के बाजू में होता है शट डाउन का, जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं? लॉग ऑफ भी होता है, स्विच यूज़र भी होता है, स्टैंड बाय भी होता है। ओके, सो ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सॉरी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है फ्रेंड्स? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम जब PC या हमारे हैंडसेट में जब इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ना कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ऑप्शन नंबर 2, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। ओके, सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मेमोरी, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज और रोम। सो द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फिगर एंड ऑप्टिमाइज और मेंटेन योर कंप्यूटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? VxWorks, विंडोज CE एंड RT लिनक्स। तो ये सारे के सारे क्या है? टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है। सो ऑल ऑफ दिस। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ठीक है, सो मैं इसका जो हमने पहले कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने कवर की थी, उसी के साथ जब मैं आगे उसको प्रोसीड करूँगी नेक्स्ट उसका, तो उसमें मैं आपको हेक्साडेसिमल समझाऊँगी। ओके, फिलहाल के लिए हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम 09 और AF। सो द राइट आंसर इज फेस, दैट इज FACE। ओके, सॉरी, सो द राइट आंसर इज FACE, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th विल बी द राइट आंसर। ओके, एंड
ओके एंड द की F12 ओपन्स अ, F12 हम जब की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज जो ऑप्शन होता है, हम ऑलरेडी किसी फाइल को वर्ड या एक्सेल में जो भी हम काम कर रहे हैं उस फाइल को हम फर्स्ट टाइम सेव करते समय हम सेव कर देते हैं, उसे पर्टिकुलर नेम देते हैं जिस नेम से हमें सेव करना है, लेकिन जब हमें सेव एज का कमांड देना है या तो हम फाइल मेन्यू से दे सकते हैं या तो फिर उसका शॉर्टकट की है F12, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन एक्सेल, डिफॉल्ट सेल कंटेंट अलाइनमेंट एक्सेल में क्या होता है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट एंड नंबर राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर राइट अलाइन, सो द ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके आई होप यहाँ तक कि आपको समझा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज टू कंप्यूट डायनामिकली द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेल डाटा, ओके सो इसके ऑप्शंस है गो टू, टेबल, चार्ट, डायग्राम, फॉर्मूला एंड फंक्शन। सो फंक्शंस, सी फ्रेंड्स, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, क्या होता है फंक्शंस, प्री डिफाइंड फार्मूला एंड आर ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल, दे आर यूज टू कंप्यूट डायनामिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डाटा, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर्मूला एंड फंक्शन, ओके ऑप्शन नंबर फिफ्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इक्वल टू सम S12 is to S23 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या का एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल, सॉरी ये एग्जाम्पल है एक्सेल में, एक्सेल में हम किसी रो या कॉलम में जब हम डेटा एंटर करते हैं तो उस सारे वैल्यूज का सम करने के लिए हम इस फॉर्मूले को एक्सेल में यूज करते हैं, डायरेक्ट भी मेन्यू बार से सम हो सकता है लेकिन हम जब फॉर्मूला एंटर करते हैं तो इज इक्वल टू सम हम सेल को सिलेक्ट करते हैं जिस जहां से जिस वैल्यू से हमें एडिशन करना है वहां से लेके कहां तक हमें उसका एडिशन करना है वहां तक हम उस सेल को ड्रैग करते हैं, सो ये होगा राइट फॉर्मूला, ठीक है। सो ये किसका, क्या है ये, एक तरह का ये है फंक्शन है क्या, नो फॉर्मूला है, अभी हमने डिस्कस किए, ओके जहाँ पे भी इज इक्वल टू लगा हो ओके वो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। विच अमंग द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट सेपरेट्स द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट एंड एसोसिएटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फिजिकल क्लाइंट डिवाइस दैट इज यूज टू एक्सेस इट। सो सी फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस तो है डेस्कटॉप विजुअलाइजेशन, ओके देन ऑगमेंटेड रियलिटी, सोशल नेटवर्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, CSMA, सी डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ओके एंड इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट वर्चुअलाइजेशन, ओके एंड इज अ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स यूज टू सेपरेट अ कंप्यूटर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर, ओके एंड डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इज कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर, ओके कंप्यूटिंग मॉडल बिकॉज द वर्चुअलाइज डेस्कटॉप इज स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज और रिमोट सर्वर एंड नॉट द फिजिकल मशीन बींग विजुअलाइज, ओके एंड अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर दिस टास्क इज VMware, ओके सो हेयर द राइट आंसर विल बी द डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, ओके विच आई हैव डिस्कस्ड, ओके सो द राइट आंसर इज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, ओके सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज ई गवर्नेंस इज जनरली अंडरस्टूड एज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट to provide service to the citizens, which among the following are the types of interaction in e-governance, okay G2B, G2C, G2E, G2G, so all of the above, okay
राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल डिवाइस टू क्रिएट द सेंस ऑफ टच बाय अप्लाइंग फोर्सेस वाइब्रेशंस और मोशंस टू द यूजर. Tactile haptics, biometric, virtualization, data mining, none of the above. So the right answer is tactic haptic, because it is a feedback in a common in cellular device, and handset manufacturers have include different types of haptic technologies in their device, and in most cases this takes the form of vibration response to touch. Okay, so and surface haptics refers to the production of variable forces on a user's fingers as it interacts with a surface such as a touch screen, for example touch screen. So the right answer is tactile haptics. Okay, and the last but not the least is the question dash is process of allowing user of smartphones, tablets and other device running the Android mobile operating system to attain privileged control to modify the software code on the device or install other software that the manufacturer wouldn't normally allow you two. Okay, so options are slash, hacking, booting, rooting. So the right answer is friends, rooting. Okay, because rooting gives the ability to alter or replace system applications and setting and run specialized application that require administration level permission or perform other operations that are otherwise inaccessible to a normal Android user. Okay, and और jailbreaking क्या होता है, ये एक term होता है जो कि similar meaning होता है जैसे iOS device का. ठीक है, so यहाँ पे तो हमारा answer जो है routing होगा. ठीक है, so ये थे हमारे 60 question. Okay friends, I hope आपको थोड़ा बहुत समझा होगा, और thanks for watching my video. Do subscribe, do like, do share, do comment. Okay, और like कीजिएगा, और अगर कुछ भी doubt रहा तो comment section में आप पूछ सकते हैं. और अब हम मिलेंगे next video में जो होंगे 61 से लेके 75 तक के question. Okay, ऐसे करके हम question series complete करेंगे. Okay, so thank you friends, have a nice day, bye bye.